तो फ्रेंड्स, हाउस वायरिंग में अंडरग्राउंड करने के लिए सबसे पहले छत में पाइपिंग करना पड़ता है जब आपका छत ढलाई होता है। और ढलाई से पहले जब आपका उसमें छड़ जो सरिया रहता है अगर पूरा बंधाना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसमें पाइपिंग किया जाता है। तो आज की वीडियो में उसी की जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, जितना एरिया जो है ये टोटल हमारा 2000 स्क्वायर फीट में है और इसमें हमारा टोटल 4 रूम और एक बीच में गली है और फ्रंट साइड में 2 छज्जा टाइप का है और लेफ्ट साइड में 3 फीट का छज्जा है और एक बीच में हॉल है जिसमें सीढ़ी है और पूरा पीछे जो है हॉल के बाद जो पीछे साइड जो है उसमें उधर हमारा 2 रूम है जो दोनों किचन के लिए है, ठीक है। और पीछे साइड बारी टाइप का थोड़ा सा छोड़े हैं पार्टी ताकि इन फ्यूचर में काम आ जाए, बोरिंग नहीं हुआ है तो बोरिंग तो पीछे ही होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस घर में तो बता ही दिए कि इसके बगल में एक छज्जा टाइप का छूटा हुआ है जो 3 फीट का है, ये देख सकते हैं, और बॉक्स बॉक्स टाइप का छूटा हुआ है पूरा। तो टोटल 4 रूम है, एक हॉल है, एक सीढ़ी है, 2 किचन है और बीच में पूरा एकदम गली टाइप का 5 फीट का जो है रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें पाइपिंग करेंगे और 1 इंची का इसमें पाइप है जो हमारा ये एंकर कंपनी का है, MMS में है, ठीक है। एंकर कंपनी में 3 तरह का आता है, LMS, MMS, HMS। तो HMS सबसे नंबर 1 में आता है और इसमें पूरा जो लाइट लगेगा हमारा, इसमें कंसील बॉक्स लगेगा दोस्तों, जो पीछे साइड देख सकते हैं इस तरह से इसमें छज्जा भी छूटा हुआ है, पीछे साइड भी सिर्फ 1 साइड छज्जा नहीं छूटा हुआ है, बाकी 3 साइड इसमें छज्जा छूटा हुआ है। तो इसमें पूरा कंसील बॉक्स लगेगा दोस्तों, चलिए अब इसमें बॉक्स को लगाएंगे। तो दोस्तों, इसमें पाइपिंग करने से पहले पूरा मुआयना कर लिया जाता है ताकि हमारा जो भी लाइट, फैन बॉक्स, जैक्सन जहाँ भी फिट हो परफेक्ट फिट हो और बढ़िया से फिट हो। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा जैक्सन जो रहता है, जो सर्कुलर बोलते हैं, आप इसको सर्कुलर भी बोल सकते हैं, जैक्सन भी बोल सकते हैं, जंक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि ठहराव जो होता है, तो इस सभी सर्कुलर में टेप लगा लेते हैं, PVC टेप। कहाँ पर लगाना है, जो हमारा जो इसमें स्क्रू जो दिया हुआ रहता है 2-3 16 का, तो उसमें हमारा टेप लगाना पड़ता है ताकि इसमें क्या होता है कि अगर सीमेंट का पानी अगर इसमें चला जाता है तो फिर ये दिक्कत होता है लगाने में, अच्छी तरह से इसमें लगा नहीं पाते हैं, लगाने में परेशानी होती है इसमें प्लेट वगैरह। तो इसमें पूरा टेप मारेंगे, जितना हमारा जैक्सन है इसमें पूरा टेप लगाएंगे दोस्तों, सभी जैक्सन में। और इसके बाद जो कंसील बॉक्स लगेगा हमारा, टोटल हमारा इसमें कंसील बॉक्स जो है 36 पीस कुछ है, तो इसमें पूरा कार्टून टेप लगा रहे हैं। इसके अंदर आप चाहिए तो कुछ कूट वगैरह भी भर सकते हैं, अगर आपके पास कूट वगैरह नहीं है तो कार्टून टेप खरीद लीजिए, 555 का जो आता है उसमें नंबर लिखा हुआ रहता है, तो उसको पूरा इस कंसील बॉक्स में लगा दीजिए, चारों तरफ से पैक कर दीजिए उसको और होल को भी पैक कर दीजिए। जिस जिस होल में आपको पाइपिंग करना है, घुसाना है, बस हल्का सा ब्लेड मार दीजिए, वो आपका ऑटोमेटिक फट जाएगा और उसमें पाइप घुस जाएगा। तो पूरी अच्छी तरह से इसमें लगा लेते हैं दोस्तों। और इसको क्या है कि इसमें जो हमारा सेटिंग जो हुआ है पार्टी का, घर का सेटिंग पूरा सटा के इसको रखते हैं हम लोग। अगर आपका दरअसल अभी उठ जाएगा तो इसके नीचे फिर हल्का सा कूट देना पड़ता है ताकि इसके अंदर मसाला ना जाए, इसके नीचे मसाला चल जाएगा तो थोड़ा क्या परेशानी होता है निकालने में, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होता है हम लोग को यहाँ, क्योंकि हम लोग जब भी पाइपिंग करते हैं तो पूरा सरिया जो रहता है जहाँ जहाँ पाइपिंग होता है पूरा उसमें घोड़ा मारते हैं, यानी कि पूरा बेंड करते हैं। इसमें जो पूरा कंसील बॉक्स जो लगाना है उसको पूरा कार्टून टेप से लगा दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको रखेंगे जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट है, जिस जिस में रहेगा, यानी कि 4 रूम है तो चारों रूम में मेरा चार्जर लाइट रहेगा और एक फैन बॉक्स रहेगा और एक जैक्सन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक जैक्सन रहेगा, इससे क्या होता है कि मेरा ज़्यादा पाइप नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं इसमें टोटल 4 कंसील बॉक्स, एक जैक्सन और एक फैन बॉक्स मेरे साथी सब जगह जगह पर रख ले रहे हैं। उसके बाद रखने के बाद फिर इसको क्या करना है, सेंटर उसको मिलाना होगा, यानी कि इंची टेप से इसको मापेंगे, माप के फिर इसको कितना दूरी में रखना है, कहाँ सेंटर हमारा हो रहा है फैन बॉक्स का, पूरा एकदम एक जरा सा मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं करना है। ये देखिए गली में भी हो रहा है, गली में भी जितना मेरा सीधा सीधे जो गया है कंसील लाइट ही रहेगा, तो जो लंबा लंबा बॉक्स है उसमें 2 लाइट रहेगा, देखिए इस 2 लाइट इस दो हो गया, हॉल में हमारा छोटा छोटा बॉक्स है तो एक एक लाइट रहेगा और इधर 2-2 लाइट रहेगा जहाँ हमारा पंखा का पॉइंट रहेगा, इसमें किसके बीच में एक पंखा पोड़ देना है, यानी हॉल में टोटल 3 पंखा रहेगा क्योंकि हॉल में टोटल 3 बॉक्स है,
तीन बॉक्स है, एक बॉक्स में चौथा बॉक्स इसलिए नहीं बना क्योंकि एक तरफ सीढ़ी है। देखिए यहाँ पर इस सीढ़ी के बगल में देखिए यहाँ पर दो लाइट रहेगा इस जो हमारे साथी लगा रहे हैं, और बीच में फैन बॉक्स भी देना है, और इधर किचन में भी दे देना है दो लाइट और एक बॉक्स देना है। ये हमारा किचन हो गया पार्टी का, यानी कि अपने दो भाई के लिए उसके अनुसार दो किचन बना दे रहे हैं ताकि इन फ्यूचर में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। जहाँ हमारा ये लाइट लगेगा ठीक है, आपके अकॉर्डिंग से आप जितना आपको दूरी में रखना है रख सकते हैं। वैसे तो हम लोग 30 इंची से लेके 36 इंची तक हम लोग रखते हैं, चाहे आप 30 रखिए या 32 रखिए, 34 रखिए, 36 रखिए, एरिया के अनुसार आपका घर कैसा लंबाई चौड़ाई हो उसके अनुसार से ये बॉक्स रखना पड़ता है। और फैन बॉक्स जो है दोस्तों पूरा सेंटर में रखना पड़ता है। सेंटर में इसलिए रख रहे हैं कि इसके नीचे कोई तरह का छज्जा नहीं है, चारों तरफ पूरा खुला है, तो सेंटर में इसको पूरा मिला लेना पड़ रहा है। ये कितना हमारा दूरी में है इंची टेप से मिला लीजिए, अगर इंची टेप से नहीं तो बाई से भी मिला सकते हैं, जैसे आपको आइडिया होता है उसके अनुसार आप पहले बीच में रख लीजिए, हर जगह रख लीजिए। जहाँ जहाँ आपको लाइट रखना है, फैन बॉक्स रखना है, पूरा पहले एक बार पूरा रख लीजिए, मुआयना कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो पाइपिंग जहाँ जहाँ से आपका दौड़ेगा, जैसे ये कंसील बॉक्स से देख सकते हैं दूसरा कंसील बॉक्स तक, तो इसमें क्या है पूरा ये रड को थोड़ा बेंड कर देना पड़ता है ताकि हमारा पाइप इससे दबे नहीं। तो सबसे पहली बात क्या बोले दोस्तों, इसका जो रड का जो बांधना का नियम है तो हम लोग को पसंद नहीं आया है। देख सकते हैं इसमें एक जरा सा कहीं क्रैंक नहीं टूटा हुआ है, यहाँ का मिस्त्री जो है से एक जरा सा कहीं क्रैंक तोड़े ही नहीं है, डबल जाली मतलब बोल के कर दिए हैं कि नहीं ये डबल जाली है। तो पूरा हम लोग का जो पाइपिंग कर रहे हैं तो पूरा ये क्रैंक तोड़ना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा बेंड करना पड़ रहा है। तो इसमें हमारा जो पाइपिंग जो होगा दोस्तों नीचे चटाई जो है उसके ऊपर, और उसके मतलब चटाई के ऊपर रहेगा और क्रैंक के नीचे रहेगा, इस तरह से पाइपिंग रहता है, यानी कि रड के बीचे बीच में ही पाइपिंग होता है। तो इस तरह से पूरा पाइप को डालेंगे, देख सकते हैं ऊपर का रड ऊपर हो गया, नीचे का रड नीचे हो गया, यानी कि नीचे का सरिया चटाई कहलाता है और ऊपर का क्रैंक कहलाता है। जो क्रैंक टूटा नहीं, जाली बना दिए हैं जाली टाइप का, अगर उसको पकड़ के उठाइएगा ऊपर का तो उठ जाएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा। तो जब भी ढलाई होगा तो ऊपर वाला हल्का सा उठेगा एक इंची, नीचे का भी, मतलब दोनों जो क्रैंक है और चटाई जो है दोनों हल्का सा डिस्टेंस रहेगा, उसके बाद ढलाई होगा। तो इस तरह से चारों लाइट जो है हमारा एक रूम का, चारों लाइट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रहे हैं, देख सकते हैं स्पायर में, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें जब कनेक्ट हो जाएगा, हमारे दोनों साथी लगे हुए हैं, हम तो कैमरामैन हैं, आज हमको कैमरामैन बनना पड़ा इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पाइपिंग इस तरह से रूम में होगा और हर रूम में दो दो ड्रॉप रहेगा, यानी कि दो दो पाइप दीवार में उतारेंगे इस। तो हमारा देख सकते हैं चार इसमें लाइट लग चुका है कंसील बॉक्स का। अब उसके बाद चलिए इसमें फिटिंग करेंगे जैक्सन, देख सकते हैं जिधर हमारा इस रूम का जो द्वार रहेगा मेन रास्ता उधर जैक्सन लगेगा, और इस जैक्सन से एक ड्रॉप नीचे उतार देंगे और एक पाइप कनेक्ट हो जाएगा फैन बॉक्स में। अब इसके अलावा एक और तरीका, देखे होंगे मेरा वीडियो में, उस तरह से भी आप पाइपिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा यहाँ पाइपिंग कंप्लीट हो गया है, चारों रूम हो गया, गली हो गया, हॉल हो गया, सब मतलब चार रूम में दो दो ड्रॉप उतारे हैं, चार लाइट दिए, एक फन बॉक्स दिए हैं और एक जैक्सन दिए हैं, और छजम भी इधर जैक्सन डाल दिए हैं दोस्तों, एक एक लाइट दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार डिटेल्स फिर से जानकारी लेते हैं कहाँ कहाँ से पाइप हमारा गया है। तो जैसा कि देख सकते हैं इधर हमारा दो रूम इधर हो गया, दो रूम इधर हो गया। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये पहला रूम का जो ये गली में देखिए अभी हम खड़ा है, दोनों साइड हमारा दो दो रूम है। तो यू जो पाइप जो देख रहे हैं गली का, इस गली से ही सर्किट दोनों यानी कि चारों रूम में आएगा इस पाइप के द्वारा ही, और इसका मेन बोर्ड जो रहेगा दोस्तों सीढ़ी के नीचे रहेगा, ठीक है, वहाँ सीढ़ी है। तो ये चारों रूम का सर्किट जाएगा सीढ़ी के नीचे पास। तो ये देख सकते हैं फ्रंट है, फ्रंट एरिया आप देख सकते हैं, बाहर फ्रंट में दो छज्जा छूटा हुआ है, जो दोनों का छज्जा में दो लाइट दिए हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी कर दिए हैं। और देखिए बालकनी द्वारा जो गया है पाइपिंग, उधर से एक दूसरे से पाइप कनेक्ट हो गया है, मतलब उस बाहर का जितना लाइट है सभी एक पाइप में कनेक्ट हुआ है, पीछे साइड उसका स्विच रहेगा,
ठीक है। उसके बाद देखिए इस रूम का, अब रूम से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रूम में हमारा देख सकते हैं ये गैनसिल लाइट लग गया है, फैन बॉक्स लग गया है, जैक्सन लग गया, एक ड्रॉप इधर उतार दिए हैं और एक ड्रॉप उधर उतार दिए, यानी एक रूम में दो ड्रॉप रहेगा। उसके बाद इसका जो सर्किट जो जाएगा गली से ही जाएगा, गली में भी ड्रॉप उतारे हैं। उसके बाद चलिए दूसरा रूम में चलते हैं। तो ये हमारा दूसरा रूम है, दूसरा रूम में एक ड्रॉप उतारना बाकी छूट गया है दोस्तों, देख सकते हैं एक ही ड्रॉप इसमें उतरा हुआ है, तो दूसरा ड्रॉप भी इसमें उतारना पड़ेगा, उतार देंगे। तो सेम चारों रूम में सेम एक ही तरह का एकदम पाइपिंग हुआ है, चार लाइट, एक फैन बॉक्स, एक जैक्सन। उसके बाद देखिए इसका जो ड्रॉप सर्किट जो आएगा इस गली के द्वारा से आएगा, देख सकते हैं गली में हमारा ड्रॉप किस तरह से उतरा हुआ है। उसके बाद देखिए इधर का दो रूम है सेम उसी तरह से, इधर से भी कर लिए हैं, चार लाइट, एक फैन बॉक्स, एक जैक्सन, और दो ड्रॉप इधर भी उतार दिए हैं, और एक दूसरे से देखिए इधर हम कनेक्ट भी कर दिए हैं। तो ये दोनों जो रूम है एक दूसरे से इधर कनेक्ट कर दिए हैं, ताकि एक पाइप इधर से भी ड्रॉप उतार दिए हैं। चलिए आगे दिखाते हैं कहाँ पर। तो हमारा ये देख सकते हैं गली का जो पाइपिंग हुआ है, देखिए एक ड्रॉप यहाँ उतार रहे हैं पहला रूम के लिए, जो पहला रूम का सर्किट बताएं इससे जाएगा, और इधर ये ड्रॉप दूसरा, ये हो गया दूसरा ड्रॉप दूसरा रूम के लिए इधर का, ये देखिए तीसरा ड्रॉप, ये पहला हो गया, ये दूसरा रूम हो गया, देखिए इसका सर्किट इधर से जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा रूम का, ये चौथा ड्रॉप इधर हो गया, यानी कि ये चारों रूम का चारों तरफ ड्रॉप इसका गली द्वारा, गली साइड से मतलब उतर गया। और इधर से देखिए बैंड करके इस पाइप को कंसील लाइट में देखिए यहाँ उतारे हैं, कंसील लाइट से देखिए घुमाते हुए पाइपिंग करते हुए देखिए यहाँ पर टोटल तीन पाइप उतरा हुआ है। देखिए रूम से भी उतार दिए हैं एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक है। अगर आपका एक पाइप में चार सर्किट नहीं जाता है तो आप इधर से हम एडिशनल पाइप उतार दिए, यानी ये दोनों के लिए। उधर से फिर देखिए दोस्तों इधर भी एक पाइप जो आया है दूसरा, तो ये हमारा इधर दो किचन और हॉल के लिए है, ठीक है। तो देख सकते हैं इधर सीधे ले गए हैं आगे गली के द्वारा। तो ये हमारा देखिए जहाँ ये कढ़ाई रखा हुआ है, फैन बॉक्स है और दो लाइट है, फिर उस दूसरा बॉक्स में देखिए वहाँ पर भी फैन बॉक्स है, दो लाइट है, और ये दो गली गली टाइप का सीधा सीधे गया है, इसमें भी कंसील लाइट दे दिए हैं, और इधर का सीढ़ी के बगल में जो बॉक्स छुटा हुआ है उसमें भी फैन बॉक्स और दो लाइट डाल दिए हैं। यानी कि हॉल में हमारा टोटल तीन फैन बॉक्स यानी तीन पंखा का पॉइंट छुटा, और लाइट तो देख सकते हैं दो चार छः आठ आठ लाइट छुटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीधे आगे चलते हैं, देखिए वहाँ पर हॉल का तो सिस्टम पूरा जान ही गए। उसके बाद देखिए सीधे आगे चलते हैं, ये देखिए बालकनी का जो बताए थे उधर का भी पाइपिंग हो गया है। तो यहाँ से गली से होते हुए देखिए हॉल में भी कनेक्ट हुआ है, देखिए इधर कनेक्ट कर दिए हैं, और इधर यहाँ पर हॉल में एक ड्रॉप उतार दिए हैं किचन की दीवार तक की तरफ। उसके बाद देखिए इस गली से आगे होते हुए देखिए यहाँ पर सीधे आगे भी चला गया है, दो ड्रॉप यहाँ भी उतर गया है दोनों किचन की ओर, एक किचन दो किचन, यानी कि दोनों का सर्किट इस पाइप से आ जाएगा। और किचन में भी टोटल हमारा ड्रॉप देखिए जहाँ जहाँ चाहिए उतरा हुआ है, इधर भी उतार दिए हैं दो ड्रॉप और उसमें भी उतार दिए हैं दो ड्रॉप किचन में, यानी कि तीन ड्रॉप उतरा हुआ है टोटल टोटल देख सकते हैं। और यहाँ से सीधे आगे भी चला गया है, पीछे साइड से सीधे आगे चला गया, सीधा सीधी चला गया है। तो हमारा पीछे साइड में जैसे कि बोले थे तीन बॉक्स है छजा टाइप का छुटा हुआ, तो इसमें भी कंसील लाइट दे दिए हैं, और बालकनी साइड का जो पूरा लंबाई छुटा हुआ है पूरा एकदम, इसमें टोटल जैक्सन लगा हुआ है देख सकते हैं। हर बॉक्स में एक एक पीस जैक्सन डाल दिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से। पार्टी चाहे तो इधर होल्डर भी लगा सकते हैं या छोटा लाइट भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। ये रहा फ्रंट का, इसमें देखिए पूरा पाइपिंग कनेक्ट होते हुए देखिए यहाँ से घुमा के फिर दूसरे तरफ ले गए हैं। यहाँ जो बीच में जो छूट रहा है गैप, पार्टी छोड़े हैं, यहाँ सीढ़ी बनेगा दोस्तों। यहाँ से मतलब फ्रंट से सीढ़ी की ओर चढ़ेंगे ऊपर, ऊपर से चढ़ते हुए फिर इसमें चढ़ेंगे, उसके बाद नीचे जाने के लिए सीढ़ी से फिर नीचे उतरेंगे। बीच वाला होल जहाँ है, हॉल के पास जो सीढ़ी है वहाँ से फिर नीचे जाएंगे तभी रूम में घुसेंगे। इस टाइप का मतलब बनाए हैं, फ्रंट में मतलब द्वार नहीं है दोस्तों, ऊपर चढ़ना होगा उसके बाद। तो पाइपिंग यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्सर मशीन भी यहाँ पर फिट हो रहा है ढलाई करने के लिए। तो हमारा ये ढलाई भी स्टार्ट हो गया है, बस इस मिक्सर मशीन में पूरा बालू सीमेंट छर्री वगैरह डालिए, ऑटोमेटिक आपका मतलब बनाना पड़ता है हैंडल से। देखिए मसाला बन गया है, उसके बाद देखिए अभी लोग अपना काम पर लग गए हैं ढाल में, देख सकते हैं किस तरह से वाइब्रेटिंग करके इसको ढाला जा रहा है। ये वाइब्रेटर मशीन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर मशीन है, आपका एक जनरेटर वाइब्रेटर मशीन भी रहता है।
बस पाइपिंग के द्वारा वाइब्रेट कीजिए, और जहाँ जो मसाला इसमें डाला गया है अगर बीच में गैप वगैरह होगा तो सभी हवा जो होगा निकल जाएगा अच्छी तरह से मसाला एकदम, मतलब आने की खोखला टाइप का मतलब ढुलाई नहीं होगा। वाइब्रेटिंग करने से एक फ़ायदा होता है, देख सकते हैं किस तरह से वाइब्रेटिंग हो रहा है। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर मशीन। उसके बाद चलिए दिखाते हैं जनरेटर का भी वाइब्रेटर मशीन। देखिए इतना धराई हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पाइपिंग किए हैं, पूरा कंप्लीट इस तरह से किए हैं। आप इसके अनुसार आप भी पाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को जनरेटर वाइब्रेटर मशीन। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।